Welcome students. Today we will discuss the solution of worksheet 3 and 4 of decimal chapter. Worksheet 3 और 4 के solution के बारे में बात होगी इस वीडियो में. इसमें सबसे पहले worksheet 3 हमारा जो है, देखिए ये decimal form में लिखना है. तो 9/100 है, तो मैंने बताया था जितने से divide करता है वही उसका place होता है. तो 9/100 यानी 900 होगा. तो हंड्रेड्स प्लस पॉइंट के कितने बाद होता है, सेकंड डिजिट पे. पॉइंट के जस्ट बाद टेंथ डिजिट होता है, उसके बाद हंड्रेड डिजिट होता है. तो पॉइंट के बाद टू डिजिट आने चाहिए और 900 प्लस पे आना चाहिए. तो 0.09. 23/100 है, तो 2300 पॉइंट के बाद टू डिजिट आने चाहिए क्योंकि 20 है. तो 0.23. 7000 है, अब पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट आने चाहिए राइट साइड में और 7000 प्लेस पे होना चाहिए. तो पॉइंट के बाद देखिए 1, 2, 3 और 7000 प्लेस पे है. 3/100, तो 300 है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए और 300 प्लेस पे आना चाहिए. तो पॉइंट के बाद देखिए 10th प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे 3 आ गया. ठीक है, इस तरह से. अब इस क्वेश्चन में देखिए 178/100 है, तो अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए. तो यहाँ 3 डिजिट है, तो 1.78. 92/1000 है, यानी जो 2 है वो थाउजेंड्स प्लेस पे जाना चाहिए पॉइंट के बाद. पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए क्योंकि 30 है. तो 0.092, 2 देखिए थाउजेंड्स प्लेस पे है. ठीक है, 12/100 है, तो यानी 1200 पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए. 12.12. 3572/100 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए क्योंकि 20 है यहाँ. तो यहाँ पॉइंट के बाद, यहाँ अगर पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखिए 72 हो जाएगा. 35.72. 34/1000 है, तो 1000 है यानी 30 है, यानी 3 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद. तो 0.034 प्लेस पे आना चाहिए ना, लास्ट वाले का ही ना प्लेस हम लोग बोलते हैं. तो 0.034 इस तरह से हम कर लेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, इनको डेसिमल में दिया, फ्रैक्शन के रूप में हमें लिखना है. ठीक है, तो अब 0.67 है. ठीक, तो क्या हम लोग सीखे थे, प्लेस चेक करते हैं. टेंथ प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस. हंड्रेड्स प्लेस तक है तो हम समझ सकते हैं कि 67/100 लिखेंगे. एक और तरीका है, एक दूसरा तरीका आप लोगों को ये मैंने बताया कि जब भी हमको डेसिमल को पॉइंट में कन्वर्ट होता है, करना होता है, तो हम जो नंबर दिया है उसको बना देते हैं न्यूमरेटर. तो हो गया 67 न्यूमरेटर. पॉइंट को हम नीचे 1 बना देते हैं, डिनोमिनेटर का 1. पॉइंट बन गया 1 और जितने डिजिट है पॉइंट के बाद उतने 0. तो 1, 2 डिजिट है तो 20. देख रहे हैं, पॉइंट बन गया 1 और जितने डिजिट उतने 0. इसी तरह 0.05, तो अब 0.5 लिखिए चाहे 5 लिखिए, वो हो गया न्यूमरेटर. अपान पॉइंट बन गया 1 और कितने डिजिट है 1, 2. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 20 लगा दिए. इसी तरह 0.731 है, तो पॉइंट बन गया 1 और कितने डिजिट है 1, 2, 3, 30 लगा दिए. और ये जो नंबर था ये न्यूमरेटर बन गया 731/1000. फिर 0.42 है, 42 बन गया न्यूमरेटर. अपान आप दोनों तरीके हैं, देखिए या तो इस तरह से कि पॉइंट को 1 बना दिए और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, या फिर आप इसका प्लेस काउंट कर लो. टेंथ्स, हंड्रेड्स, अब हंड्रेड्स प्लेस है तो अपान 100 हो जाएगा. देख रहे हैं, 42/100. अब इसमें भी चेक कीजिए, टेंथ्स, हंड्रेड्स प्लेस, तो 3/100. यहाँ पे क्या क्या है, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस तक है. तो लास्ट वाले का जितना प्लेस होता है उतने से डिवाइड करते हैं. थाउजेंड्स प्लेस तक है तो 908/1000. इसी तरह 0.39, तो 0.39 में टेंथ और हंड्रेड्स प्लेस है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा, 39/100. यहाँ 0.09, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टेंथ, हंड्रेड, तो 100 से डिवाइड करेंगे,
9/100 चाहे तो आप 09 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.017 टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स थाउजेंड्स प्लेस तक है तो 17/1000 इतना करेंगे। ये वर्कशीट 3 है आपका, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वर्कशीट 4 में पहचानना है प्लेस वैल्यू कि कौन सा प्लेस है, 2 तो इसमें 2 यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद वाला प्लेस क्या होता है टेंथ, तो यहाँ पे हम टेंथ प्लेस लिखेंगे। 4 का पूछ रहा प्लेस वैल्यू तो 4 का भी देखिए पॉइंट के जस्ट बाद है राइट, तो टेंथ प्लेस ही होगा, टेंथ प्लेस है। 3 का पूछ रहा है तो चेक कर लेते हैं पॉइंट के दूसरे नंबर पे यानी टेंथ उसके बाद हंड्रेड्स, तो 3 का प्लेस क्या हुआ हंड्रेड्स। इस वाले क्वेश्चन में 7 का प्लेस पूछ रहा है तो टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स प्लेस है ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पे 7 है। इसमें 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा तो पॉइंट के ये लेफ्ट है, देखिए पॉइंट के राइट वाले में हम लोग को प्रॉब्लम थी याद रखना था, लेफ्ट वाला तो हमें आता ही है, वंस टेंस तो टेंस प्लेस है टेंस प्लेस। 0 का प्लेस वैल्यू बताना है तो पॉइंट के जस्ट बाद है राइट, तो ये टेंथ प्लेस हो गया। इस तरह आप कर सकते हैं किसी भी नंबर का डेसिमल नंबर का प्लेस और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए आपको एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, आप जब उस वीडियो को देखेंगे तब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में आसानी से लिखना आ जाएगा। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, हम सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं प्लस साइन के साथ। अब यहाँ देखिए 19.892 था तो 10 प्लेस पे है तो 10, 9 वंस प्लेस पे है तो 9, 8 देखिए टेंस प्लेस पे है तो जिस प्लेस पे रहता है उतने से डिवाइड कर दें 8/10, 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 9/100, 2000 प्लेस पे है तो 2/1000। इसी तरह आप इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, यहाँ मैंने करके दिखा दिया है क्वेश्चन सॉल्व, आप देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये सेकेंड वाला भी है। मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ, डी वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100, 4 टेंस प्लेस पे तो इसकी वैल्यू 40, 9 वंस प्लेस पे तो इसका प्लेस वैल्यू 9 प्लस 3 टेंथ प्लेस पे है तो 3/10, 5 हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 5/100, 6000 प्लेस पे है तो 6/1000 कर देंगे। इसी तरह ये दोनों क्वेश्चंस भी आप इसी के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे अब एक्सपेंडेड फॉर्म के ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, वहाँ जिस तरह किए वहाँ यहाँ भी करना है, बस यहाँ अंतर ये है यहाँ दो तरह से लिखना है, केवल प्लेस वैल्यू ही नहीं लिखनी है डिजिट के साथ प्लेस भी लिखना है। तो ये वाला तरीका तो आप सीख गए प्लेस वैल्यू वाला, प्लेस वाला क्या है ये किस प्लेस पे है टेंस प्लेस पे तो 1 टेंस, 4 वंस प्लेस पे तो 4 वंस प्लस साइन लगेगा सबके बीच में, 6 टेंथ प्लेस पे है तो 6 टेंस, 5 हंड्रेड्स प्लस 7000। इसी तरह इस क्वेश्चन में 803.316 है तो 800 प्लेस है तो 100 800, टेंस प्लेस पर है 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस 3 वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू 3 हो गई, प्लस 3/10 प्लस 1/100 प्लस 6/1000 ठीक है। और वर्ड में भी लिख सकते हैं 800 प्लस 0 टेंस प्लस 3 वंस प्लस 3 टेंस प्लस 100 प्लस 6000। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इधर मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन आप पहले इन क्वेश्चंस को देखने से पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इस सलूशन की हेल्प लीजिएगा ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 127.253 है तो प्लेस 100 प्लेस है तो 100 प्लस 20 प्लस वंस प्लेस पे तो 7 प्लस टेंथ प्लेस पे तो 2/10, हंड्रेड प्लेस पे तो 5/100
और 1000 प्लस पे है तो 3/1000। और इसी को वर्ड में भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 टेंस प्लस 7 वंस प्लस 2 टेंस प्लस 500 प्लस 3000। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, इट इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन 4। अभी तक हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, अब अगर नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो तो उसे कंबाइन रूप में कैसे लिखेंगे, मिलाकर कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या समझ में आ जा रहा है, देखिए वंस प्लेस पे 5 है, ठीक। अब जितने जितने से डिवाइड किया गया है वो उसी का प्लेस है, टेंथ प्लेस पे 2, हंड्रेड प्लेस पे 3 और थाउजेंड प्लेस पे 7, तो बस 5.237। हमें यह देखना है कि कौन से प्लेस का वैल्यू नहीं दिया है, जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसकी जगह 0 लिख देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 70 प्लस 3 तो टेंस प्लेस है, वंस प्लेस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 73 पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो गया। अब देखिए टेंस प्लेस का दे दिया, टेंथ प्लेस का, हंड्रेड प्लेस का नहीं दिया है, सीधे थाउजेंथ प्लेस का दे दिया, तो हंड्रेड प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0, तो 73.908। देख रहे हैं, इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में 6 वंस प्लेस पर होगा प्लस 4/100 आ गया, 10 नहीं आया, देखिए 1/10 आना चाहिए था ना, 10th प्लेस का नहीं आया, 100 तो 1000 प्लेस दिया है तो 10th वाले प्लेस पे हम 0 लिखेंगे, 6.045। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में 200 100 वाला प्लेस दे दिया, वंस वाला प्लेस दे दिया, 10th प्लेस देखिए नहीं दिया है, सीधे 100 के बाद 1, तो 10th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, 205 पॉइंट। अब देखिए अपॉन 10 नहीं दिया, ये जैसे देखिए यहाँ 10 था, सीधे 100 और 1000 दे दिया, यानी 10th प्लेस पर का वैल्यू नहीं दिया है तो वो 0 हो गया, 100 प्लेस पे 3 और 1000 प्लेस पे 6। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बेटे इतने ही क्वेश्चंस आपके इस वर्कशीट में थे, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।